तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे पावर वी के बारे में। जी हाँ, नेक्स्ट जनरेशन डैशबोर्ड विद पावर वी आई, और हम बात करेंगे कि पावर वी आई में किस तरीके से हम रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं पीछे बेसिक की तरफ भी जाऊंगा, और आज की क्लास की टॉपिक जो है हमारा, जिसमें बात करेंगे विजुलाइजेशन की, तो विजुलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो योगेश कारला जी एंड अंकित जी हमारे साथ है। सबसे पहले अंकित जी और आप योगेश जी, आपको चाहिए होगा पावर वी आई का सॉफ्टवेयर, तो क्या आपके पास पावर वी आई का सॉफ्टवेयर है? नहीं सर। नहीं सर, अभी तो नहीं। तो सबसे पहले आप पावर वी आई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, इसके लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप इसको बगैर चार्ज के भी मैं फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो पावर वी आई का क्या है कि डेस्कटॉप वर्जन जो है सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, और वेब वर्जन में आपको जो है एक ट्रायल वर्जन भी आपको मिल जाता है 180 दिन के लिए। तो ट्रायल वर्जन भी अच्छी खासा चलता है, तो इसमें आपको लर्निंग पीरियड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इसकी जो वेब वर्जन है उसमें लिमिटेशन होती है, डेस्कटॉप वर्जन में लिमिटेशन नहीं होती है। तो आप सिंपल सा गूगल पे सर्च कीजिए पावर वी आई डाउनलोड, और जब क्लिक करने से पहले आप URL चेक कर लें कि powervi.microsoft.com है ना, ऐसे बहुत सारे से देख लीजिए, दिख रहा है आपको sonic.com है। तो ये थर्ड पार्टी है, तो इससे डाउनलोड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए डायरेक्ट आए microsoft.com पे चले जाए डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद ये पूछता है क्या डाउनलोड करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर वी आई डेस्कटॉप, इसमें बहुत सारे है, मोबाइल भी है माइक्रोसॉफ्ट, और डेटा गेटवे भी है, ऑन प्रीमिस रिपोर्टिंग भी है, माइक्रोसॉफ्ट पावर वी आई रिपोर्ट बिल्डर भी है। ये सब डाउनलोड नहीं करना, हमें करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर वी आई डेस्कटॉप, ये सब कुछ आता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर डाउनलोड करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चला जाता है। जी हाँ, जो आपका जो स्टोर होता है ना इसका विंडो का, वो स्टोर में चला जाता है। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है फाइल वगैरह सर्च करने में कि भाई इसका फाइल हासिल गया कहाँ। उससे अच्छा है कि एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। एडवांस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का ये आपके सामने दिखेगा, यहाँ से लैंग्वेज जो कि अपॉज इंग्लिश ही होगा, और आप डाउनलोड पे क्लिक कर, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 200 कुछ MB की फाइल होती है। डाउनलोड होने के बाद इसको आप नॉर्मली जैसे इंस्टॉल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं उसी तरह से इंस्टॉल कर लें। इसे इंस्टॉल करने में कोई बड़ा झमेला नहीं है, सिंपल सा वन क्लिक पे इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए आपके सामने में, मैं पावर वी आई का अपडेट आई थिंक डाउनलोड किया था, इसमें मैं देखता हूँ, और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहता है। जैसे मैं इसको खोला हूँ तो मुझे यहाँ देख के दिखा रहा है ना, अपडेट अवेलेबल क्लिक डाउनलोड, तो इसे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे डाउनलोड पे। लेकिन मैंने इससे पहले आई थिंक डाउनलोड किया हुआ है, एक मिनट, नहीं किया हुआ आई थिंक, नहीं है। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट पावर वी आई का डाउनलोड पेज खोल के दे देगा। तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, अपना अपडेट भी करते रहना है। आ गया यहाँ पे डाउनलोड पावर वी। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड फ्री हो गया, यहाँ पे डाउनलोड फ्री पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भेज देगा। यहाँ पे करते हैं डाउनलोड लैंग्वेज ऑप्शन से, और यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट किया, और यहाँ डाउनलोड क्लिक किया, और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अपना वर्जन सेलेक्ट कर ले। मेरा 64 बिट है तो मैंने 64 बिट कर लिया, 292 MB का आपको दिख रहा होगा, एंड इसको नेक्स्ट। अब ये आपका डाउनलोडिंग शुरू हो गया। ठीक है सर, तो इस तरह से आप अब ओरिजिनल डाउनलोड करोगे तो इस तरह से डाउनलोड होगा। और अपडेट, क्योंकि पावर वी आई हमेशा अपडेट होते रहता है, तो आपको हमेशा अपडेट
करते रहना होगा, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या मतलब कि बहुत सारे फंक्शंस वर्क नहीं करेगा, इसलिए बोल रहे हैं। अरे मेरा बस 13 सेकेंड में डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, इसको इंस्टॉल करके हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, जब भी अपडेट डाउनलोड होता है तो पूरी की पूरी ऐप डाउनलोड हो जाती है, सर पूरा हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। ऐसा नहीं कि उसका पैकेज डाउनलोड हुआ हमने उसको रन किया, ये पूरा डाउनलोड होता है और फिर दोबारा से पूरा इंस्टॉल करना पड़ जाता है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, एक पावर बी आई क्लोज करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट, हैंग नहीं होता है क्यों? तो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। अरे इंस्टॉल, फाइल रिमूव कर रहा हूं। तो टाइम टू टाइम हमेशा अपडेट आप करते रहेंगे ताकि जो नए फीचर्स है वो आपको मिलते रहें, नए फाइल टाइप और नए जो विजुलाइजेशन है, नए फॉर्मूलेज हैं, वो सब चीज आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा पावर बी आई। इसलिए टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। पावर बी आई को अब लॉन्च कर देगा। पावर बी आई जब भी ओपन होता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। ये रहा, जब भी आपकी पावर बी आई ओपन होगी तो सबसे पहला जो आपको यहां दिख रहा है वो इस तरह से दिखेगा विंडो। अभी क्या है कि मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, बट आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे साइन इन और साइन अप आएगा। साइन अप करेंगे तो क्या होगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे चले जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे चले जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ट्राई फ्री का ऑप्शन आता है तो वहां पे आपको आईडी क्रिएट करने के लिए बोलेगा। जी हाँ, आईडी क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो आईडी जब क्रिएट करेंगे तो जैसे ट्राई फ्री पे क्लिक कीजिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको एक कंपनी आईडी चाहिए। यहाँ पे जीमेल वगैरह वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ एंटर योर वर्क ईमेल आईडी। अगर मान लीजिए कि मैं जीमेल आईडी डाल देता हूँ सुदीप कुमार .ipt@gmail.com, तो यहाँ पे क्या आ गया, That look like a personal email address. Enter your work address. We can contact to other company. And then don't worry, don't share the address with anyone. समझे? तो यहाँ पे आपको company ID मिलेगी। अब बात आती है कि company ID में आप कुछ भी ऐसे नहीं डाल सकते क्योंकि वो फिर आपको OTP भेजेगा, उस OTP confirmation link भेजेगा, उसको क्लिक करके आपको account active करना पड़ेगा।
तो जैनमन एक ऑफिस आईडी होना चाहिए, फेक नहीं चलेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि आप लोगों के पास अगर ना हो तो डोंट वरी, मैंने बाकी सबके लिए बोला है कि मैं उनका ईमेल आईडी बना दूंगा, अभी उनकी जरूरत नहीं है। जैसे मैं ऑनलाइन सिस्टम पे जाऊंगा तो मैं उनके लिए एक नया ईमेल आईडी उन सबके लिए क्रिएट कर दूंगा। ओके चलिए, मैं इसका पासवर्ड रिकवर करना होगा मुझे ना। और सिक्योरिटी है, देखिए इसमें मैं मोबाइल पे कोड आएगा तभी जाके मैं ओपन कर पाऊंगा, तो पूरा सिक्योर है माइक्रोसॉफ्ट। मैं पासवर्ड डालने के बाद मुझे यहाँ ओटीपी जब तक मोबाइल पे आएगा वो मैं नहीं डालूंगा, मेरा रिपोर्ट ओपन नहीं करने देगा। ये आ गया पावर बी आई का, ये पावर बी आई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये जो आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है आपका, और ये आपका ऑनलाइन, मतलब कि आपने डेटा बनाया, बनाने के बाद उसको अगर आपने पब्लिश कर दिया वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप किसी भी पीसी या मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी रिपोर्ट इसमें बनेगा हर चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये ऑनलाइन मोड होता है। तो इसी ये आपको जरूरी है, क्योंकि जो रिपोर्ट वगैरह आप शेयर करेंगे वो आप यहीं से शेयर करेंगे, कहीं और से शेयर नहीं कर पाएंगे। यहां लोग आप लोगों का यूजर ऐड कर देते हैं, ऐड यूजर आप सबका मैं कर दूंगा, यहाँ यहीं से यूजर आईडी बनेगा, तो मैं अपने जो चैनल पे आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, जैसे आप लोगों की अनाउंसमेंट हो गई है हो जाएगी, आपको कर दूंगा। बाकी इम्तियाज वगैरह जी जो है आपने अपनी ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं क्लास के बाद इसमें आपकी आईडी क्रिएट कर दूंगा। ये जो आपको दिख रहा है ये पावर बी आई का एडमिन सेंटर है, ठीक है, एडमिन सेंटर, जहां से आप अपने रजिस्ट्रेंस अपने यूजर सब मैनेज कर सकते हैं। अब बोले सर ये यूजर मतलब क्या होता है कि जब पावर बी आई कंपनी खरीदती है तो कंपनी कई सारे मतलब कि यूजर्स को लेकर खरीदती है। एक तो वह इंडिविजुअली हो गया आपका कि आपने एक इंडिविजुअल आईडी ले लिया तो दिक्कत ही नहीं है, बट आप कॉर्पोरेट आईडी लेते हैं तो वो एडमिन के पास राइट होता है कि किस किस यूजर को ऐड करें और किस किस यूजर को क्या परमिशन देने हैं, कि क्या रिपोर्ट राइट कर सकता है, क्या रिपोर्ट को वेब पे सर्वर कर सकता है, क्या वो शेयर कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो सारे राइट यहाँ से सेट किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एडमिन सेंटर, इसको हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बैक टू पावर बी आई, पावर बी आई का आपका पहला लुक आपको दिख रहा है, इसमें तीन चीजें यहाँ दिख रहा होगा, फिल्टर, विजुलाइजेशन, फिल्ड, उसके बाद ये आपका जो रिपोर्ट एरिया है और ये आपके पेज, जैसे कि आप एक्सेल में शीट को ऐड करते हैं, एक्सेल में आप शीट ऐड करते हैं ऐसे यहाँ पे पेजेस ऐड कर सकते हैं। और ये आपका तीन व्यू है, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू, और ये आपका आता है डेटा मॉडल व्यू। लेकिन सब कुछ करने से पहले आपको एक डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो डेटा ऐड जैसे आपने अभी फर्स्ट विंडो खुला था जहाँ पे बहुत सारे वीडियो वगैरह दिख रहा था आपने, वहीं पे आपको गेट डेटा का ऑप्शन है या फिर यहाँ भी गेट डेटा पे कर सकते हैं। और जो फ्रिक्वेंसली होता है जैसे कि एक्सेल के पावर बी डेटा सेट सर्वर यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसली जो जरा यूज करने वाली चीजें हैं, उसके अलावा मोर पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी वाइज वहां पे दिखेगा। तो उसमें हम पहले एक डेटा सेट करते हैं, फिर हम विजुलाइजेशन को समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी वाइज है तो हम फाइल में एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहां से हम एक डेटा उठा लेते हैं। इसे एमपी पर उठा लेते हैं।
अब ये क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा, इस फाइल में जितने भी डेटा सेट है सबका लिस्ट आपको दे देगा, उसमें से चॉइस करना है आपको कौन सा डेटा आपको चाहिए। देखिए इसमें जितने भी शीट से सारा दे दिया, D1, D2, D3 दिख रहा है आपको, और डेटा में क्या क्या डेटा है वो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इसको मैंने लोड कर लिया। ट्रांसफॉर्म करके आप डेटा जा सकते हैं, ये डेटा को लोड कर रहा है, और जैसे पिवट में लोड करते हैं पिवट की जो फील्ड आ जाता है इस डेटा के सारे फील्ड आपको यहां पर आ गए, और डेटा सेट में जाके देखेंगे ये तो पूरा डेटा आपको इस पावर बीआई में आ चुका है। और ये देखिए पब्लिश का जो नंबर ऑप्शन है डिसेबल था, अनेबल होगा, जैसे डेटा आप कनेक्ट करते हैं वैसे आपका पब्लिश जो है अनेबल हो जाता है, ये आपका डेटा यहाँ पर होगा। इसके बारे में बात आते हैं, पहले आते हैं विजुलाइजेशन। फिल्टर्स फिलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे तो इसको हाइड कर देते हैं। ये आपके फील्ड, फील्ड को समझिए, फील्ड में आप देख पा रहे हैं कि जहां पे ई का साइन लगा, सम ऑफ उसको बोलते हैं, सम ऑफ का साइन है मतलब कि ए नंबर फॉर्म नंबर कॉलन है, मतलब कि इसके अंदर में नंबर का डेटा है, और जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट। और इसके बाद एक कैलेंडर का सिस्टम लगा होगा, तो कैलेंडर लगा हुआ है सिस्टम मतलब क्या है, जो डेट है, जिसमें ग्लोब का साइन होगा मतलब कि वो ज्योग्राफिकल डेटा है, सिटी वगैरह। तो रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ से विजुलाइजेशन को चूज करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ए आपका गैस चार्ट को चूज किया, फिर इसको आपके लोकेशन पे अच्छे से रखें, बाद में भी रख सकते हैं, और फिर आप जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे जनवरी का सेल यहाँ पे जनवरी का उठाया, और जैसे पिवट में ड्रॉप करते हैं तो क्लिक भी कर लेंगे तो आ जाता है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा, या फिर उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। और जैसे कि पिवट में होता है कि जैसे विजुलाइजेशन आ गया, इस विजुलाइजेशन का फॉर्म यहाँ पे आपकी की जैन है वैल्यू है जो भी यहाँ पे डेटा होता है, जैसे आप इसमें पिवट पे देखते थे ना, वैल्यू सेक्शन हो गया, रो सेक्शन हो गया, कॉलम सेक्शन हो गया, वो सेक्शन यहाँ पे है, क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, सब यहाँ सेट किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेट है आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे डेटा कलर ये ब्लू है तो मैं इसको ब्लैक किया जा सकता हूँ। तो भी जैसे भी इंट्रो दे रहा हूँ मैं दिया जा सकता है, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग होती है, यहाँ पे होता है एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स जो होता है वो बताता है आपको कि इससे और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन वो हर विजुलाइजेशन के लिए डिफरेंट होता है, हर विजुलाइजेशन के लिए आपका ये फील्ड, ये आपका फील्ड की सेटिंग फॉर्मेट और एनालिटिक्स अलग अलग होगा, वो ऑटोमेटिक आपका पावर बी आई चूज कर लेगा। स्टार्ट से एक बार विजुलाइजेशन को समझते हैं कि हमारा विजुलाइजेशन क्या क्या है। ये आपका देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आपका स्टैक बार चार्ट, ये आपका होता है स्टैक कॉलम चार्ट, ये आपका होता है स्टैक कर्सर बार चार्ट, या तो आपका कर्सर कॉलम चार्ट, ये आपका आता है 100% स्टैक चार्ट, या आपका 100% बार चार्ट। तो ये चार्ट है क्या, तो आप एक्सेल में देखते होंगे, एक्सेल की फीचर्स यहाँ पे जो चार्ट हैं सारे चार्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी लाइन चार्ट है, ये आपका लाइन एरिया चार्ट आपका आ गया, ये आपका स्टैक एरिया चार्ट हो गया, ये आपका कॉम्बो चार्ट हो गया, लाइन और स्टैक का कॉम्बो आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये आपका जाता है रिबन चार्ट, ये आपका वाटरफ्लो चार्ट हो जाता है, ये आपका फुनल चार्ट हो जाता है, ये आपका स्केटर चार्ट हो जाता है, ये आपका पाइप चार्ट हो जाता है, ये आपका डोनट चार्ट हो जाता है। इसके बाद ये आता है सी मैप चार्ट, इसके बाद दो आपको जो दिख रहे हैं ये मैप चार्ट है, मैप के अकॉर्डिंग सिटी वाइज मैप के अकॉर्डिंग दिखाता है, मैप हो गया है। उसके बाद ये आपका गर्ल चार्ट हो जाता है जिसकी परसेंटेज वगैरह दिखाता है क्या अचीव हुआ। उसके बाद अगर आपको इसके ऊपर कुछ लिखना है तो ये आपके पास कार्ड हो जाता है, हालांकि लिखने के लिए आपके पास इंसर्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, पर टेक्स्ट बॉक्स में उतनी सी फॉर्मेटिंग नहीं होती, फॉर्मेटेड एक कार्ड की तरह डाल देता है, अगर आपके पास मल्टीपल है तो मल्टीपल कार्ड का इस्तेमाल यहां से करते हैं।
उसके अलावा ये आपका KPI होता है, आपका स्लाइसर होता है, आपको डेटा टेबल फॉर्मेट पे जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखिए कि मैंने यहाँ पे नेम को रखा और मैंने यहाँ पे मान लीजिए जनवरी के 7 को रखा, जनवरी 7 आ गया, ये आपका रिपोर्ट दिख रहा है अगर टोटल। अगर इसी में मान लीजिए कि फैब का चार्ट रखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा फैब का कॉलम, दिसंबर करता हूँ तो इससे कॉलम वाइज बढ़ता जाएगा, ये आपका कॉलम चार्ट। अगर हम ये आपका देखिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ गया, ये आपका चार्ट। अब इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, डिफरेंस तब दिखता है जब इसमें हमें पास दो एक्सिस का होता, जैसे मंथ बाय नेम का चार्ट, क्योंकि मंथ अलग अलग कॉलम है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। मैट्रिक्स फॉर्मेट में पिवट फॉर्मेट में दे देता है। उसके अलावा उसके बाद अगर अब आर की प्रोग्रामिंग है, आपकी पैथन की प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ क्लियर एक्सेस है या एग्रो जीआईएस मैप्स हो गया। उसके अलावा यहाँ पे पावर ऐप जो होता है, पावर जीआई की पावर ऐप, उसे परचेज करना होता है ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे वो गेट मोर विजुअल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के जरिए आपको जो है बहुत सारे ऐप दे, कुछ ऐप फ्री जैसे मोबाइल में होता है ना कि मोबाइल में आपके पास इनबिल्ड हुआ, उसके अलावा बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आप जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक फ्री ऐप होता है और कुछ पैसे वाली ऐप होती है। ये सारे ऐप को आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, इतने सारे हैं। इसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हैं, आप अलग अलग कैटेगरी का ले सकते हैं। जैसे ये देखिए आपको एस्ट्रो पलर चार्ट, इस चार्ट यहां से उठाया जा सकता है, एडवांस कार्ड, फ्लो मैप, तो आप डाउनलोड करके इसको ऐड कर। तो इसमें मेरी कोर्स में मैं आपको यहां तक तो पूरी डिटेल में समझाऊंगा, याद रखिएगा। पैथन आर की जो है प्रोग्रामिंग मैं नहीं कराऊंगा, ये हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं होगा प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेरे पास जो भी है सारे का सारे वर्किंग प्रोफेशनल है और प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते इसलिए। और यही से प्रोग्रामिंग पार्ट अलग हो जाता है। उसके बाद यहाँ आपका जो है बाकी और चीजें भी मैं कराऊंगा हूँ और इसमें और भी बहुत सारे कोड निकाल कर दिखाऊंगा। उसके बाद आप जो है इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जैन टाइम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसमें कोई और कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए मुझे इसको टोटल करना है तो न्यू कलर में मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे 20 कर दिया और यहाँ पे सारे फील्ड को ऐड कर देता हूँ, जैन प्लस, लेकिन वन बाय वन करना पड़ेगा जैसे हम इसमें करते थे पिवट की कैलकुलेशन में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और एंटरप्राइज, ये सब का टोटल यहाँ होता है। तो आगे चल के आप इसका टोटल इजिली क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुआ, चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, रिलेशनशिप है, सब कुछ इसमें किया जा सकता है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ प्रोग्रामिंग पार्ट मैं इस कोर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा और इसकी जरूरत भी अभी फिलहाल नहीं है। बहुत ज्यादा इसको डीपली जाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग पार्ट, क्योंकि पावर बी आई ऐसे ही बहुत सारा फीचर्स देता है तो इसमें प्रोग्रामिंग उतना जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, प्रोग्रामिंग वहां जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट के साथ एम्बेड करना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे डालना है, तो अलग अलग डेटाबेसेस हैं, कुछ बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट बनानी है उस केस में इसकी जरूरत पड़ जाती है। हालांकि उसके बगैर भी कुछ हद तक हम कर सकते हैं। अब देखिए हमने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया,
तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में आप देखिए यहाँ पे हम बात करें। हाँ योगेश जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर ये फोर जो ये चार्ट बनाया आपने, ये 4470 ये किसका टोटल है? ये 2235 की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं ये जो लास्ट में है 4470 ये क्या, ये नंबर कहाँ से आया, इसका पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा ये हाँ जी हाँ जी, इसने ऐसे ले लिया, इसने टोटल टेंटेटिव ले लिया। हाँ ऐसे ले लिया, यहाँ पे होता है आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। जैसे टारगेट आपका मान लीजिए है ना, तो टारगेट सेट कर सकते हैं आप। जैसे हमने मेजर्स पे क्लिक किया तो हमने मेजर्स में यहाँ नाम डाल दिया टारगेट, न्यू मेजर्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा 5000 का टारगेट डाल दिया मैं, अब यहाँ से टारगेट को उठाता हूँ मैं, इस पे जाता हूँ, इसपे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उस पर टारगेट रखते हुए 5000 होगी सर। समझ गया ना? तो ये बेसिकली बताता है आपको कि आपकी जो टारगेट है कितना अचीवमेंट हो गया, लेकिन हमने कोई मैक्सिमम वैल्यू डाला ही नहीं। राइट, तो वो बाय डिफॉल्ट उसने उठा लिया। इसमें आ जाता आपका टारगेट आता है कि कितना टारगेट होना चाहिए। अब जैसे मुझे मेरा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम का 25%। अब यहाँ पे आप पूछ रहे थे ना सारा जी कि मेजर्स की क्या यूज होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं न्यू मेजर्स पे जाता हूँ और यहां पे मैं डालता हूं अचीव टारगेट। तो मुझे अचीव टारगेट चाहिए टारगेट का 25%। तो टारगेट हमने सेलेक्ट किया मल्टीप्लाई बाय 0.75, यहां परसेंटेज सिंबल नहीं चलता है, हम पॉइंट पे डालना पड़ेगा आपको। आ गया, और यहां से अब यहां पे अचीव टारगेट को उठाता हूं मैं, टारगेट वैल्यू में डाल देता हूं। तो यहाँ पे टारगेट लाइन पर जाता है कि हमारा टारगेट इतना है और अभी तक हमने इतना किया हुआ है, तो पता चल जाता है गैप क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाएंगे, जो इसके एक एक रिलेशन को सही से समझाएंगे, ठीक है? फिलहाल आप लोग अपना पावर बीआई डाउनलोड कर लीजिए और अपने विजुलाइजेशन पे ऐसी प्रैक्टिस करके देखिए, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कल की क्लास में हम वन बाय वन विजुलाइजेशन को कंप्लीट करके देखेंगे, दिखाएंगे। एक बार विजुलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन पे चलेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।